साइड ऑफ है. न्यूयॉर्क सिटी में यूजुअली लोग आते हैं जस्ट टाइम स्क्वायर ऑन दोस प्लेसेस पर देयर आर मेनी अदर स्टफ. सो दिस इज जस्ट लाइक वॉकिंग इन इनटू सम ऑफ द स्ट्रीट्स. आई एम गोइंग टुवर्ड्स 9th एवेन्यू पे जा रहा हूँ चाय समोसे खाने के लिए. तो चाय समोसे का एक्सपोर्ट निकाला है. आई एम गोइंग देयर. वहाँ से फिर आगे प्लान है कि बाइक राइड करनी है, उस पर दूसरा कैमरा लगाना है और सॉर्ट ऑफ एक्शन कैमरा उसको टेस्ट करना है. तो अभी जाएंगे चाय समोसे खाएंगे. एक रेस्टोरेंट निकाला है तो उसका भी रिव्यू कर देंगे साथ साथ कैसा है. और ये पेन स्टेशन से आगे अगर सीधा जाएंगे तो आगे हडसन यार्ड आ जाएगा दी एज. उल्टे हाथ पर अगर आप देखो ये ऊपर बहुत नोन प्लेस है. इट्स अ मस्ट हैव अगर आप यहाँ आ रहे हो. तो अभी मैं आ गया हूँ 9th एवेन्यू पे और 36th स्ट्रीट. बॉडी ऑफ द स्ट्रीट पे और आगे हम चाय समोसा तलाश करेंगे. और ये दी एज हो गया. तो न्यूयॉर्क सिटी में आ रहे हो तो बहुत सारे समिट हैं यहाँ पे पेन स्टेशन के बिल्कुल सामने. वो आई हैव अ प्लान कि वहाँ मुझे जाना है समिट पे. तो वहाँ गया तो वहाँ की भी डालू. इसके अलावा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, ग्राउंड ज़ीरो लोअर मैनहट्टन में है. ये कश्मीर हलाल कुजीन है पाकिस्तानी. एक और यहाँ पे एक दफ़ा मैंने चाय ली है. और लेकिन इस दफ़ा मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ. थोड़ा आगे कुछ और खुला है, गौरमे डेली है, बारा लाल रेस्टोरेंट वो था कश्मीर. एंड अभी हम आ गए हैं 37th पे और यहाँ वेट करेंगे लाइट का. और राइट 37 हमें तीन ब्लॉक और चलने हैं तो 40th स्ट्रीट आ जाएगी और उसके बाद फिर देखते हैं. और फिर वाइड एंगल लेंस लगाएंगे तो आई थिंक इसका भी बहुत अच्छा आएगा. तीन ब्लॉक और चलना है और उसके बाद फिर चाय समोसा ट्राई करते हैं, उसका रिव्यू डालते हैं. तो स्टे ट्यून. ओके हम अब ऑलमोस्ट 40th स्ट्रीट पर आ गए हैं. यहाँ पे ढाबा लग रहा है चाय का. सामने हैं जगह ट्राई करते हैं. लासानी के नाम से पहले नहीं आया मैं. तो ये 40th स्ट्रीट और 9th एवेन्यू है. अगर हम 10th एवेन्यू पे जाएंगे तो 10th एवेन्यू पे नेवी पियर है. मौका मिला तो वहाँ भी चले आएंगे आज. डे टाइम है ऐसे ब्यूटीफुल. ये लासानी इसको ट्राई करते हैं. यहाँ पे चाय और समोसे का प्लान है. देखते हैं इनके पास चाय समोसे है या नहीं है. विल गो चेक इट आउट. Serve samosa. So chicken samosa is fresh. This is not fried, this is fresh, man. And this is halal, right? Yes. Samosa is halal, correct? So can I get one chai and one chicken samosa? You say the order time for samosa. What's that? Two samosa, one order. What do you mean? More than one order? Two samosa, one order. And the order is two. Okay, two samosa, how much? Six. Six, okay, that's fine. Tea? Yeah, and one tea. No, no sugar, okay, amigo? Yes. All right. No sugar, eh? Yep. So, yeah. एक्सपीरियंस कैसा है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर. अच्छा हुआ तो मैं आपको बताऊंगा. बट ये स्पॉट है 9th एवेन्यू
और सामने जो स्ट्रीट नज़र आ रही है यहाँ से चले जाओगे आप तो टाइम स्क्वायर आ जाएगा, और बैक साइड पे जाएंगे तो नेवी पियर आएगा। तो पहले मैं सोच रहा नेवी पियर चला जाऊँ, ये टाइम स्क्वायर रात में ज़्यादा अच्छा लगेगा तो नेवी पियर चले जाएंगे। तो आई एम नॉट श्योर इस वीडियो में मैं ऐड करूँगा या नेक्स्ट वीडियो में, नेवी पियर और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो अगेन न्यूयॉर्क सिटी में आ रहे हैं तो अगर आपको प्लान करना है इट्स मोर देन लाइक प्रीटी मच आप करो एक हफ्ता दो हफ्ते डिपेंडिंग। सो टाइम स्क्वायर के अलावा काफ़ी चीज़ें, सो आई एंजॉय चेक आउट माय चाय एंड समोसा एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे चाय समोसा हो गया है, चाय बेहतरीन थी, समोसा चिकन कहते हैं तो आई लव आलू वाले वो नहीं मिले बट चिकन कैन नॉट कंप्लेन। चाय बिल्कुल देसी स्टाइल से, और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो ये डेस्टिनेशन है वॉकिंग एरिया में, आप टाइम स्क्वायर जा सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट हाईलैंड पार्क सेंट्रल पार्क 70th स्ट्रीट पे है और एज जल बिल्कुल पीछे है, नेवी पियर पीछे है यहाँ पे। सो मैनी थिंग्स टू डू, और अगर इस एरिया में आ रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको हलाल खाना मिल जाएगा। घर की चाय की तलब है तो डेफिनेटली चाय यहाँ की बिल्कुल घर की तरह की है, दूध पत्ती बेहतरीन कड़क चाय। और अगेन आई एम ऑन माय वे बैक, थैंक यू आंटी। ओके, और लासानी ग्रिल करके नाम इस जगह का। अब मेरा जो इरादा है वो आई विल गो टूवर्ड्स नेवी पियर ऑन द लेफ्ट साइड, और पीछे जो है हमारे वो है क्या कहते हैं टाइम स्क्वायर, सॉरी नेवी पियर की साइड पे जाएंगे। तो यूजुअली बहुत से लोग अगर आते भी हैं तो उनको इतना नहीं पता होता, दे एंड अप गोइंग ओनली टू जो है टाइम स्क्वायर। अगर आपने न्यूयॉर्क में और चीज़ देखी है तो नेवी पियर जो है वन ऑफ दोज एरिया, यू डेफिनेटली नीड टू चेक इट आउट। नेवी पियर पे आपको बहुत एक्टिविटीज मिलेंगी, फास्ट बोट और राइड होती है, आई थिंक $40 या $50 ऐसी कुछ है, और नेवी पियर से आप बोट ले सकते हो, न्यू जर्सी पे जा सकते हो, बहुत चीप है, आई थिंक $4-5 पड़ती होगी। सो नेवी पियर से आप 12th एवेन्यू पे है बेसिकली, वो 11th 12th दो ब्लॉक चलने पड़ेंगे मुझे, ये एंट्रेंस जो है यहाँ से न्यू जर्सी से एनजे ट्रांजिट की बसेज आती हैं, इसको पोर्ट अथॉरिटी कहते हैं, और आप बस लेके आ सकते हो यहाँ पे। आगे सामने जाएंगे पोर्ट अथॉरिटी से तो टाइम स्क्वायर बिल्कुल करीब में साथ में लगा पड़ा है, हम जाएंगे स्ट्रेट, और स्ट्रेट नेवी पियर का एरिया, और तो टाइम स्क्वायर जो है सिर्फ एक चीज़ नहीं है यहाँ पे देखने के लिए, नेवी पियर पे आप स्टार्ट करोगे यहाँ पे 40th स्ट्रीट से यू कैन गो ऑल द वे टू द डाउनटाउन डाउन लोअर मैनहट्टन कैनाल स्ट्रीट तक, तो बहुत सी एक्टिविटीज़ मिलेंगी वहाँ पे करने को, बहुत कुछ मिलेगा। सो दैट्स द होल एरिया, सो अगेन ये इसका बैक साइड का एरिया है और हम जा रहे हैं हम नेवी पियर की तरफ।